फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मृच कटिकम, जो एमए के द्वितीय सेमेस्टर में आया हुआ है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मृच कटिकम के कवि हैं शूद्रक जी। ये 10 अंकों का प्रकरण है। कवि ने इसमें काल्पनिक रूप को प्रस्तुत किया है। रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस है, लाटी रीति का प्रयोग हुआ है और प्रसाद गुण है। अब इस मृच कटिकम के नायक और नायिका की बात करते हैं। इसमें नायक है चारुदत्त और नायिका है वसंत सेना। अब बात करते हैं पात्र वितरण की। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो चारुदत्त है, जो नायक है कहानी का, उसकी पत्नी है जिसका नाम है धूता, और उन दोनों का पुत्र है रोहसेन। रोहसेन चारुदत्त का पुत्र है। जो वसंत सेना है, वसंत सेना चारुदत्त की प्रेमिका है। वीडियो में फ्रेंड्स आखिर तक बने रहना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहानी में एक दूसरा जोड़ा और है, जो कि है मदनिका और सारवलख का। ये दोनों भी प्रेमी प्रेमिका हैं। अब बात आती है राजाओं की। इस कहानी में दो राजा हैं, राजा पालक और राजा आर्यक। ये दोनों आपको कहानी में देखने को मिलेंगे। अब बात आती है अन्य पात्रों की। समवाहक, ये चारुदत्त का सेवक है। कर्पूरक, ये वसंत सेना का सेवक है। आर्यक और शार्विलक, ये दोनों मित्र हैं। शार्विलक को कहीं शार्वलक कहा गया है और कहीं शार्विलक कहा गया है। ये एक ही है। विदूषक, विदूषक को मैत्रेय से संबोधित किया गया है बार बार। शकार, शकार जो है वो राजा का साला है। ये जो मृच कटिकम है, इसके क्वेश्चन PGT TGT में भी बहुत बार पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। अब बात करते हैं अंकों के सार की। जो प्रथम अंक है अलंकार न्यास, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। न्यास का अर्थ होता है धरोहर। इसका मतलब है जो आभूषण है उनकी धरोहर पर प्रथम अंक है। प्रथम अंक में राजा का साला वसंत सेना का पीछा करता है। अंधेरी रात में अकेली वसंत सेना और उसका पीछा कर रहा है राजा का साला। कमेंट में बताएं कि राजा के साले का क्या नाम है। अंधेरी रात में वसंत सेना का पीछा करते हुए राजा का साला और उसकी सेना। डरी सहमी वसंत सेना, सेना के डर से चारुदत्त के घर में चली जाती है। वहां जाकर उसे लगता है कि कहीं मेरे आभूषणों को देखकर तो कहीं राजा की सेना मेरा पीछा नहीं कर रही हो। इस वजह से वह अपने सारे गहने चारुदत्त के घर पर छिपा देती है। अपने सभी आभूषणों को चारुदत्त के घर पर छिपाकर वह एक साधारण स्त्री के रूप में आ गई। प्रथम अंक में ये सब होता है। अब बात करते हैं द्वितीय अंक की। इसमें देखिए फ्रेंड्स, धूतकर संवाहक है। धूत मतलब जो जुआ खेलते हैं वो धूतकर।
इसमें क्या होता है वो देखिए। इसमें चारुदत्त का एक नौकर होता है, वो जुआ खेल कर ऋणी हो जाता है, मतलब वो अपना सब कुछ हार जाता है और फिर भी ऋण देना बाकी होता है। फिर वसंत सेना अपने गहने देकर उसे छुड़वाती है। वही गहने जो वसंत सेना ने चारुदत्त के घर छिपाए थे। जुए में हारे चारुदत्त के सेवक को मुक्त करवा लेती है। चारुदत्त का नौकर लज्जा वैगलानी से युक्त जो संवाहक है वो लज्जा वैगलानी से युक्त हो जाता है और बौद्ध भिक्षु बन जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई स्त्री उसकी मदद करे। उसे लज्जा होती है और वह बौद्ध भिक्षु बन जाता है। वसंत सेना का हाथी उस पर आक्रमण कर देता है और कर्पूरक द्वारा उसे बचाया जाता है। कर्पूरक वसंत सेना का सेवक है। अब बात आती है तीसरे अंक की, जो कि है संधि छेद। इसमें क्या होता है कि जो शार्वलिक होता है वो अपनी प्रेमिका की मुक्ति के लिए, मतलब जो बंधी बना ली गई है उसको छुड़ाने के लिए, चारुदत्त के घर से सेंध लगाना होता है चोरी करना, वो उस चारुदत्त के घर में चोरी कर लेता है। वो चारुदत्त के घर से आभूषण चुरा लेता है जो वसंत सेना ने उसके घर में छिपाए थे। उसकी प्रेमिका का नाम मदनिका है और उसको वो गहने जो उसने चुराए थे वो उसको जाकर दे देता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक किए बिना मत जाना। अगर हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना और यह बताना मत भूलना फ्रेंड्स कि यह वीडियो आप किस शहर या गांव से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो कहां तक जा रही है। आज हमने मृच कटिकम के 3 अंकों पर चर्चा की। अगले 7 अंक हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और वेट कीजिए पार्ट 2 का।